देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, देखो देखो। सो ये क्यों जा रहा है वो भी बता देती हूँ। हस्बैंड हो गए बहुत गुस्सा क्योंकि मैंने पकड़ दिया बहुत। मेरी गलती नहीं, देखो मेहंदी वाली की गलती थी लेकिन ये भी जरूरी थी। तो अभी साथ में और भी लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक, समझना काफला लेके जा रहे हैं। सिक्योरिटी हाई है, मुझे डर नहीं लगता इसलिए सबको लेके जा रही हूं। हाई अलर्ट लग चुका है इन पे, हाई अलर्ट लग चुका है गाइस। चलो चलते जल्दी से। सो गाइस इधर चल रही है पैकिंग सब। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और कमरा आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, मेरे अकेले पे है, हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। जल्दी से करते हैं पैकिंग, है ना। सो गाइस इधर बच्चे की प्रैम जो है उसे हम कर रहे हैं पैक ले जाने के लिए, इसको रखना है पहले क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसे नहीं जाएगी। अंदर ही डाल दीजिए और हम करने वाले से खराब। देखो क्या दे रही है दादी अपनी गिफ्ट। थैंक यू बोलो, जो जागल्ला बोलो। आपका 38 है ना, जुमे में दिखाओ खाने का बा में दिखाना, जुमे की नमाज दिखाओ इंशाल्लाह। जुम्बा ड्रेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जुमे की नमाज में वाइट जुम्बा पहनना सब। सो गाइस पैकिंग हो गई है और देखो जरा तो बज रहे हैं कब नहीं होंगे और अब भी पूरा सब फैल फैल गई थी। हाँ पहन लो, पहन लो ना, पहन लो, ठंड लगेगी। सो गाइस माशाल्लाह से हयात रेडी हो गई है जाने के लिए, सुबह का दिन हो चुका है, पैकिंग वैकिंग रेडी हो गई है और आपको पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उमरा पे। उमरा पे माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस आए हुए हैं पापा अरुबा, ये तैयार हो चुके हैं, दिखाना नहीं है खुशबू बिल्कुल भी। हां कर लो माशाल्लाह से, स्टेज रेडी हो गया है, आ रही है, प्यारी लग रही है छोटी। आजा 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 तू भी फटाफट वो बाद में कर, कैसा लग रहा है ऐशा जी, कैसा लग रहा है आपको? वहाँ पहुँचते सारे कमेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पहुँचते ही। अरे आज गाड़ी मालूम सामान वो फोटो के पोज पे खड़े इतने गले मत लगने दो, कह रहा है क्या है गले लगते रोने लग जाते। बिल्कुल चुप मेरा बच्चा, खुशी खुशी जा, खुशी खुशी आ जा, हम खुश रहेंगे, तुम खुश हो तो हम खुश रहे, बस बात खत्म। सही बात है, जा अल्लाह तुम्हें खुश रहे। टेंशन हो रही है।
चलो चलो सो गाइस पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। सब आ जाओ चलो सब चल रहे हैं चलो माता चल रहे हैं बाय बाय मुसा बाय नहीं ले रही है नहीं नहीं रात में चले जाएगी फिर हम उधर जाना पड़ेगा ना फिर अच्छा हां वो लोग कौन से निकल जाएगी पूछ रहे थे पापा जा रहे हैं उम्रे पे माशाल्लाह माशाल्लाह पापा मुबारक हो मैं कह रही हूँ पापा जा रहे हैं माशाल्लाह उम्र पे माशाल्लाह माशाल्लाह अब हम आएंगे पापा को छोड़ ले नेक्स्ट टाइम माशाल्लाह निकल चुके हैं अल्लाह के लाख लाख के शुक्र से बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है इसे खुशी हो रही है और मुझे घबराहट हो रही है वही है ना सबका अलग अलग ही मौसम होता है जो कितना बड़ा एलिफेंट है इधर देखो लगेज जा रहा है सब पे मेरा टैग लगा दिए अरे वो तो क्या रख गया चल गया हमारा एक बैग जा चुका सेकंड जा रहा है रुक गया हां दो बैग सो गाइस मसला हो गया बहुत तगड़ा वाला वो ये है कि लगे सारा खुलना पड़ेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो गया वो कह रहा है पर बंदे के हिसाब से आपको सिर्फ 23 किलो अलाउ है तो इसका भी 23 किलो अगर होना चाहिए तो हर वेट का 23 किलो होना चाहिए अब हमारा जो है ना इसका वेट है 28 किलो तो वो मना कर रहा है इसे ले जाने के लिए तो अब इसका वेट ट्रांसफ़र करते हैं लगेज वगैरह हो चुका है और अब ले रहे हैं एंट्री यहाँ फैमिली और विद चिल्ड्रन का अलग से डिपार्टमेंट है ताकि जो फैमिली और बच्चे वाले हों उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बस जल्दी से हो जाए थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा वैसे भी रात भर नहीं सोए थकावट हो रही है और आप लोगों से ये कहना चाहूँगी लगेज जितना हो सके कम रखें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई लगेज की वजह से मतलब जिस पे जितना कीजिए ना उतना रखें मतलब टोटल ना करें कि टोटल इतना है जितने जिस पे एक बंदे पर तो उतना ही बैग रखें चलो चलो आओ इधर आओ तो यहाँ की ड्यूटी फ्री है एयरपोर्ट की यहाँ कुछ भी सामान लो आप हाँ ये सारी ना न्यू ईयर की वजह से सब कुछ डेकोरेट कर रखा है बस बेटा एक राग बच्चे को लग रही है जब दुबई आए थे हम गाइस तो यहाँ पे इधर ही घूम रहे थे हम लोग मतलब हमारे पिक्स वगैरह भी इसके विक्टोरिया सीट के सामने ही और देखें माशाल्लाह दुबई एयरपोर्ट से कम नहीं है यहाँ हमारा इंडिया का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल लेवल का आप देख सकते हो मेरी आंखों से काम ये देखें तो गाइस धीरे धीरे अब थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता जा रहा है मतलब मैं इतनी टेंशन में थी ना लगेज को लेके सबको लेके मैं अल्लाह साथ के वैसे अल्लाह करा ही देता है आप लोग भी ऊपर प्ले एरिया भी है बच्चों का बस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है तो लोग कुछ खाते हैं उनसे देखने जा रहा है एरोप्लेन सो गाइस 5:14 हो चुके हैं असर का टाइम हो चुका है तो हम ना प्रेयर रूम जा रहे हैं हम यहाँ पे हम अदा करेंगे नमाज इंशाल्लाह असर की और नियत करेंगे इंशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा व्यू है नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पर यहाँ सारी नमाज छुट रही है
सो गाइस एग्जाम वगैरह बांध लिए हैं शुक्र से, सब चेंज कर मतलब सब कर रहे थे तो मैंने भी सोचा शायद करना चाहिए, तो मैं रख के लाई थी, मैंने चेंज कर लिए। बस यहाँ पे नमाज पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, इंतज़ार है बस टेक ऑफ था। हमारी फ्लाइट जो है 8 बजे की है, लेकिन अभी टाइम है, अभी मगरिबी हुई है, तो सब जितने भी जाने वाले हैं सब नियत कर रहे हैं नमाज़ें पढ़ने, बस सब दुआ में लगे हैं अल्लाह अल्लाह की। तो भाई इन्होंने भी आराम बांध लिया माशाल्लाह से। हाँ जी हाँ माशाल्लाह दिखाओ। हाँ जी हाँ हाँ इधर देखिए माशाल्लाह। तो गाइस यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, लेकिन हयात हमें कर रही है बहुत परेशान, ने रोडों पे कर दिया बुरा हाल। मेरी भी पहनूंगी मैं, ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी। चलो चलो देखो हेलो सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा कम हियर, कम दिस साइड। यस कम हियर, कम हियर। और ये गाइस है डिनर वगैरह जब आएगा हमारा, बिरयानी नहारी कोरमा रोटी सब इस पर आएगा। इधर रख दो ऊपर। सो गाइस बस अब नियत करने वाले हैं इंशाल्लाह। और पता है यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज क्या मिली? गेम। क्या है? हयात को मिलेंगे। क्या है इसमें? कलरिंग बुक है, स्केच करनी है, कलर्स करना है इसमें, ठीक है? हैप्पी दिखाओ क्या है? ठीक अब ये क्या दे दिया? एयरफोन एयरफोन। अब यहाँ लगा के ना आप सुनना ना आराम से। टेक ऑफ होना, अभी रुक जाओ, टेक ऑफ होगा ना बेटा, धीरे धीरे पीछे जाते हैं। अब देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, देखो देखो इसे रख दो मूसा, इसे यहाँ रख दो अभी। हाँ तू इसे वहाँ रख दो, यहाँ आगे यहाँ रख दो अभी। हाँ रखो, बस बस ابق القناع الى ان يبلغك من لحن المقصوره دون زعل. في حال الهبوط الاضطراري يوجد اتخاذ الطائره المنزليه في حاله الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائره، الرجاء تحديد اقرب المخارج اليك الان. اذا كان اخلاء الطائره ضروريا ستضاء الممرات بانوار ترشدك الى المخارج. قبل مغادره الطائره يجب خلع الاحذيه، ترك جميع الاغراض الشخصيه، التوجه الى اقرب المخارج ثم استخدام السياقه. توجد سته نجاه في كيس تحت الاقاب او الى جانب. عند صدور التعليمات البس الستره من جهه الراس، اربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى I'm gonna go.
कुछ भी नहीं दिख रहा। खाना आ चुका है, अब खाएंगे खाना। अलहमदिल्ला से लैंड हो चुके हैं। यहाँ के 11:30 बज रहे हैं और इंडिया के 2:15 बज रहे हैं और यहाँ से अभी 11:30 ही हुए और अब लैंड हुए हैं। सो गाइज, ये वाले ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यही एंड और उमरा करने जाएंगे जद्दा से मक्का, मक्का में हरम में।